आपसे। पाकिस्तान में भारतीय व्यापारी कुलभूषण को फांसी की सजा देने पर भारत में काफी गुस्सा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता, कभी आतंकवाद को बढ़ावा देता है और कभी निर्दोष भारतीयों पर जुर्म करता है। ऐसा ही एक मामला कुलभूषण यादव का है, जिसे ईरान से अगवा कर पाकिस्तान में रॉ का एजेंट बता उसे फांसी की सजा सुना दी गई, जिसके चलते आज हर एक हिंदुस्तानी दुखी है। वहीं भारत सरकार ने भी पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है, अगर कुलभूषण यादव को फांसी हुई तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। गुरदासपुर में अपने परिवार को पाकिस्तान की जेलों में बेमौत मरने वाले परिवारों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मैं कैप्टन जोगिंदर सिंह, फादर ऑफ शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्कर, जो असी कल न्यूज़ में पढ़िया है, श्री कुलभूषण यादव जी का जो पाकिस्तान अपने सज़ा सुनाई है, मौत की सज़ा सुनाई है, ये बहुत मंदभागी चीज़ है। अगर इस तरह ही पाकिस्तान साढ़े लोगों ने इदा करता रहा तो साढ़े देश के जो लोग है वो अपने देश वास्ते सेवा करने वास्ते किस तरह तैयार होंगे। साड़ी सरकार नूं चाहिदा है कि इस नूं जल्दी जल्दी स्टैप लिया जाए, उन्हां दी सज़ा माफ़ करवाई जाए। मैं अश्विनी कुमार कृपाल सिंह का भतीजा, जो कि पाकिस्तान जेल च बंद सी, ते मैं कल न्यूज़ सुनी है कि यादव जे फांसी सज़ा दिती गई है, तो जो पहला शहीदाना होया इदा यादवां नाल नहीं होना चाहिए। तो सरकार अगे रिक्वेस्ट है भी जल्दी तो जल्दी कदम चुके तो उन्होंने रिहाई दी वापस इंडिया वापस लिया जाए। मैं कुमार रविंदर विक्की, जनरल सैकटरी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद पंजाब। कल ही खबर सुनी हमने कि कुलभूषण यादव जी जिन्हें पाकिस्तान कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा सुना दी गई है और एक प्लैंड तरीके से उन्हें इस चीज़ में फंसाया गया है। सो मैं सरकार से अपील करता हूं अपनी संस्था के माध्यम से कि शीघ्र प्रयास करें उनकी रिहाई का और इस इशू को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लेके जाए, ताकि कुलभूषण यादव जी का भी हशर जो है वो हमारे जो पहले सरबजीत जी और कृपाल सिंह जैसा ना हो, और दूसरे हमारे जो 71 के 54 युद्धबंदी जो अभी भी पाकिस्तानी जेलों में यातनाएं सह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। सरकार से मेरी अपील है कि आज उनके परिवार भी सड़कों पर उतर कर उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ यादव जी की रिहाई के लिए प्रयास किया जाए, वहीं हमारे जो 54 युद्धबंदी पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं 71 की जंग के, उनकी भी रिहाई की जाए, ताकि उनके परिवारों की भावनाओं का सम्मान हो सके और इस मुद्दे को सरकार जो है शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेके जाए, ताकि इसमें देरी ना हो जाए। आपको बता दें, पाकिस्तान को अब सबक सिखाना है तो भारत सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे, उसके बाद नतीजा कुछ भी हो। गुरदासपुर से अवतार सिंह की खास रिपोर्ट।